पर जो है से पीएम किसान का पैसा जो है से बहुत लोगों को नहीं आया है। भाई मैं बता दूं, उसमें से मैं भी एक हूं, जो मेरा भी पैसा जो है से पीएम किसान का नहीं आया है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पैसा जो है तो जेंट्स और पैसा गया है लेडीज के नाम पर। यानी कि मान लीजिए कि आप जेंट्स हैं और आपने जो है पीएम किसान का पैसा आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जेंट्स का पैसा जो है से महिला के अकाउंट पर चला गया है, उसके बाद जो है से बहुत सारे लोग का जो है से पैसा नहीं आया है। भाई एक मैं भी हूँ, मेरा भी पैसा जो है से हर बार आता था पोस्ट पेमेंट बैंक में, और इस बार जो है से पैसा नहीं आया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो लोग का पैसा अभी तक नहीं आया है तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका पैसा हम कैसे लेंगे, इस वीडियो में आपको कुछ बताने वाला हूँ। इससे हो सकता है कहीं आपका पैसा जो है से फिर से वापस आ सकता है। कहीं ना कहीं मेरा भी पैसा अभी तक जो है से नहीं आया है। इस पर जो है से हम जो है से बात कर रहे हैं ब्लॉग पर, लेकिन अभी सही से जो है से बात नहीं हो पा रहा है। लेकिन आखिर क्या करें, क्या कारण था कि हम लोग को जो है से पैसा नहीं आया। दोस्तों मैं बता देता हूँ, तीन कारण हो सकता है जिससे हम लोग का जो है से पैसा नहीं आ सकता। पहला कारण तो ये है कि हो सकता है कहीं मेरा केवाईसी जो है से नहीं हुआ होगा, लेकिन भाई जब हम केवाईसी चेक किए हैं तो मेरा केवाईसी जो है से हो चुका है। उसके बाद हो सकते हैं कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक जो है से अनमैरिज है, एक भी गलती अगर नहीं किए हैं तो आपका पेमेंट जो है से आएगा। तो भाई हमको क्या करना पड़ेगा कि मेरा पेमेंट जो है से वापस आएगा। तो सबसे पहले हमको कुछ दिन और वेट करना है, यानी कि अभी जो है से तीसरा दिन हुआ है, दो दिन हमको और वेट करना है। 5-6 दिन के बाद जो है से डिटेल निकल जाता है पीएम स्टेटस पर, वहां पर हमको जाना है और वहां पर जो है हमको आधार नंबर से वहां पर चेक कर लेना है कि मेरा पेमेंट स्टेटस क्या बता रहा है। उसको जैसे आपको क्या करना है, फोटोकॉपी कर लेना है। फोटोकॉपी करने के बाद आप लोग के पास जहां जहां आप लोग का ब्लॉक होगा, ब्लॉक पर जाना है और आप लोग को जो भी किसी सलाहकार होंगे उनको जैसे फॉर्म देना है, आधार कार्ड देना है और जो पेमेंट स्लिप होता है वो देना है, और उनको बोलना है कि हर बार मेरा पैसा आता था, इस बार जो है पैसा नहीं आया है। उसके बाद जो वहां से फिर जो है वो केवाईसी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है आपका पैसा जो है फिर 2000 रुपया जो नहीं आया है वो पैसा फिर से आ सकता है। दोस्त मात्र में एक यही तरीका है, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जैसे आप लोग जैसे थोड़ा वेट करिए, 1 से 2 दिन में वेट करिए, जैसे पेमेंट स्टेटस पीएम किसान का खुल जाएगा आप वहां पे जाके और वहां से जो है से उसका जो है से जेरोक्स करवा के या प्रिंट आउट करवा के और किसी सलाहकार को वहां पर दीजिएगा, वहां से आपका जो है से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। दोस्त मैं बता देता हूं कि मेरा भी 2000 रुपया आता था, लेकिन इस बार जो है से पैसा नहीं आया। बगल का जितना भी किसान थे सबका पैसा जो है से आ गया और मेरा अभी तक पैसा नहीं आया। दोस्त मैं बता देता हूं, मैं भी एक किसान हूं, मैं भी खेती करता हूं, मैं भी दुकान भी चलाता हूं और आप लोग का वीडियो भी बना के देता हूं। तो दोस्त मेरा भी पैसा जो है से इस बार नहीं आया है, बाकी लोग का जो है से पैसा आ गया। दोस्त एक चीज और बता देते हैं, इस बार कुछ और गलती हुआ है। जैसे मान लीजिए कि मेरा पापा का जो है से पीएम किसान का पैसा आता था, उनका पैसा इस बार जो है से मेरी माँ के अकाउंट में जो है से चला गया है। दोस्त मैं बता देता हूँ आखिर क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है सरकार का एक नया फंड निकला है, आधार सीडेट का फंड निकला है, हो सकता है कहीं वहां से जो है डाटा मिस कर रहा होगा, लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हर किसान को जैसे पीएम किसान का पैसा जो है से आएगा तो आएगा। आप लोग को बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, आधार कार्ड लेकर जाना है, किसान पंजीयन लेकर जाना है और पेमेंट स्टेटस का जो है एक स्लिप निकाल लेना है, पेमेंट स्लिप का जो है एक रसीद निकाल लेना है। उसके बाद जो है ब्लॉक पर जाके वहाँ जो कागज सबमिट कर दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा 5 से 6 दिन में आपका भी जो पैसा जो है आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमको जरूर कमेंट करके बता